सो हे गाइस, कैसे हो यार आप सभी लोग। गाइस आज का ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज गाइस आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पबजी अनबैन के बारे में। तो गाइस आप सबके मन में सिर्फ एक ही बात है पबजी बैन के बाद कि यार पबजी अनबैन कब होगा या होगा भी या नहीं। तो यार आज की इस वाली वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं और काफ़ी कुछ इस वाली वीडियो में आपको पता चलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखो और वीडियो पसंद आ जाए तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आया तो आपका भाई आपके लिए रोजाना ऐसे वीडियोज़ लाता ही रहता, तो ऐसे में चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लेना गाइस। तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यार कि पबजी बहन के दुख से अभी तक हम नहीं है, और यार कुछ भी हो खैर गाइस अपने को मूव ऑन तो करना होगा, पबजी को भुलाना ही होगा। और यार जैसे भाई ब्रेकअप के बाद लोग भूल जाते हैं, वैसे तो अपने को भुलाना ही होगा, अगर भाई दुख दर्द में रहे तो कोई फ़ायदा है नहीं। खैर गाइस ये सारी बातें सिर्फ बोलने के लिए, घंटा फर्क नहीं पड़ता गाइस, दुख तो अपने को होगा और जब तक पबजी अनबैन नहीं होगा दुख रहेगा ही रहेगा। बहुत आसान है गाइस बोल देना कि यार भूल जाओ या इससे अच्छा आ जाएगा या भाई समझ रहे हो ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जो है गाइस बुरा तो लगेगा अपने को, खैर बुरा लग के ही क्या कर सकते हैं गाइस, आगे तो अपने को बढ़ना ही होगा। तो यार अब बात कर लेते कि यार तो गाइस जितना बुरा यार हमें लग रहा है उतना बुरा टेंजेंट वालों को भी लग रहा। तो गाइस आपको पता होना चाहिए कि टेंजेंट को जो बैन से नुकसान हुआ है वो है गाइस 34 बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया गाइस, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा होता है। तो 34 बिलियन डॉलर के बाद नुकसान के बाद गाइस वहाँ पर मीटिंग बुलाया जा रहा है टेंजेंट के मेन ऑफिस में, और यार आप में से काफ़ी लोग बोल रहे हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा या लगभग गाइस हर कोई बोल रहा कि भाई टेंजेंट को निकाल दो। लेकिन गाइस पबजी मोबाइल जो है यार टेंजेंट के स्टूडियो में ही पूरा का पूरा डेवलप हुआ है, ऐसे में यार उसका भाई निकाल देना इतना आसान नहीं है गाइस। अगर अभी आप पबजी ओपन करोगे तो आप में से काफ़ी लोगों का पबजी ओपन हुआ देख सकते हो, लेकिन गाइस अगर आपने गलती से भी लॉग आउट कर दिया जैसे मैंने किया था तो आप पबजी को लॉग इन नहीं कर पाओगे। तो ये है ग्लोबल वर्जन का सीन। और अगर आप पबजी कोरिया वर्जन अगर खेलते हो तो पबजी कोरिया वर्जन में भी गाइस आप लॉग आउट मत करना। खैर गाइस जिन्होंने लॉग आउट नहीं किया उनका तो चल ही रहा, जैसा कि आप सब देख सकते हो मैं इसमें इंटर हो पा रहा हूँ, लेकिन गाइस शायद कुछ देर के बाद ये भी आप मतलब एक्सेस इतना भी आप नहीं कर पाओ, पूरा का पूरा शायद अपने से एक्सेस चला जाए, पूरा सर्वर हटा दिया जाए, उसके बाद शायद अभी पबजी आप ना खेल पाओ। तो यार अभी फिलहाल तो गाइस चल रहा है पबजी जिन्होंने लॉग आउट नहीं करा है। तो गाइस अब बात कर लेते यार कि पबजी अनबैन कब तक हो सकता है। तो यार गाइस हम सबसे पहले यार पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। तो सबसे पहले गाइस देखो, अगर टेंजेंट को हटा के कोई दूसरा कंपनी आ जाए तब तो ठीक है, तब एक या दो भी लग सकता है गाइस तब अपना पबजी वापस आ जाए। ओके गाइस इतना तो आप समझ रहे हो। अगर ये सारा कुछ नहीं होता, टेंजेंट नहीं हटता, तो देखो गाइस अभी जो अपने बॉर्डर पे भसड़ चल रहा है गाइस आपको पता है इंडिया और चाइना के बीच, वो यार कभी ना कभी तो बहुत जल्दी ही यार वो मतलब ख़त्म हो जाना चाहिए गाइस। तो जब ये ख़त्म होगा आपको पता है यार चीन भारत के बिना बिल्कुल नहीं रहता। तो गाइस चीन का बहुत बड़ा मार्केट यार अपने इंडिया में है, और अगर ऐसे में यार इंडिया अगर पूरा सब कुछ बैन कर देता है गाइस तो यार चीन को बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान होगा। तो ऐसे में गाइस जितना भी इशू है उसको जल्दी से जल्दी फिक्स करने का ट्राई करेगा चीन, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा कंपनी है गाइस टेंजेंट वहाँ का, और ऐसे में उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो गाइस यहाँ पर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी सब कुछ सही हो जाए, और जब सारा कुछ नॉर्मल हो जाएगा गाइस तो दोबारा से यार जो टिकटॉक है वो भी अपने इंडिया में वापस आएगा और पबजी तो वापस आएगा ही गाइस। लेकिन अगर दोनों में से किसी एक को भी आने का होगा गाइस तो सबसे पहले पबजी आएगा अपने इंडिया में। तो गाइस इसके लिए एक वीक लग सकता है, दो वीक लग सकता है, तीन वीक लग सकता है गाइस, या एक दो महीने लग सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा गाइस तीन महीने तक लग सकता है, लेकिन पबजी अपना दो तीन महीने के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर गाइस जल्दी से कुछ कर ले है, अगर मतलब यार पबजी वाले अगर कुछ कर लेते हैं तो एक से दो वीक के अंदर आपको अपने इंडिया में फिर से पबजी देखने को मिल जाएगा। अब गाइस बुरा तो लग रहा है मेरे को भी यार कि भाई ये फुद्दू गेम के भाई मतलब लॉबी में वीडियो बनाना पड़ रहा है गाइस, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। पबजी का भाई अगर एक तरीके से बोलो तो आधा भी नहीं है यार ये कॉल ऑफ ड्यूटी, लेकिन क्या ही कर सकते हैं गाइस, अब कुछ तो करना होगा। तो खैर गाइस यही जितना इन्फॉर्मेशन मेरे पास था वो सारा का सारा मैंने आपको बता दिया। तो गाइस यही उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी ही अपना पबजी आ जाए। तब तक यार आप कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा गेम अच्छा लगा और आप कौन सा गेम अभी खेल रहे हो। तो गाइस आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर वीडियो पसंद आ जाए तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे इसी के और एक्साइटिंग वीडियो में। पीस आउट।